गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नेम इज यूनिटरी मेथड। सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, बी रेडी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज आर ऑफ दिस चैप्टर, रोहन बॉट 10 नोटबुक्स फॉर 125 रुपीज। रोहन क्या करता है, 10 नोटबुक्स 125 रुपी में बाई करता है, खरीदता है। ओके, हाउ मच वुड ही हैव टू पे फॉर 6 नोटबुक्स ही बाइज नेक्स्ट टाइम। अब बताइए कि वो अगर अगली बार 6 नोटबुक्स उसको लेना हो तो वह कितना उसको मतलब दुकानदार को पेड करना होगा। ओके, तब हम लोग पहले तो ये 10 नोटबुक्स का कास्ट दिया है तो 1 नोटबुक का कॉस्ट हम लोग फाइंड करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक्स आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स इक्वल टू रुपीज 125। अब हम लोग फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10 नोटबुक का कॉस्ट 125 है तो 1 नोटबुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 125 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से। ओके, दिस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक यानी कि 12.5 यानी कि 12.50 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सिक्स नोटबुक्स। तो 6 नोटबुक्स का कॉस्ट क्या आ जाएगा, 6 इंटू रुपीज 12.5 दिस इक्वल टू रुपीज 6 5 30 0 कैरी 3 6 2 12 12 3 15 एंड 6 1 6 and 1 7 इट मीन्स 75 रुपीज। ओके, विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज आई बॉट 180 पेजेस फॉर ₹24। ओके, मैंने 180 पेज खरीदा कितने रुपए में, 24 रुपए में। ओके, हाउ मच शुड आई पे फॉर 240 पेजेज। अब बताइए 240 पेजेज के लिए हम लोग को कितना पेड करना होगा। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग वही यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड का ही यूज करके इसको फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 180 पेजेज इक्वल टू 24 रुपीज। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 1 पेज इक्वल टू 24/180। ओके, ये रुपीज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेज। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 8 3 24 and 6 4 18। ओके, और ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 2 4 and 2 15 30 दिस इक्वल टू 2/15 रुपीज। ये कॉस्ट ऑफ 1 पेज आ गया। अब हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 240 पेजेज यानी कि रुपीज 2/15, ये 1 पेज का कॉस्ट है तो 240 पेज का कॉस्ट फाइंड करने के लिए 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 4 20 and 5 8 40, फिर से 3 से 16 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या आ गया, टोटल 240 पेज का कॉस्ट क्या आ जाएगा, 2 into 16 32 रुपीज। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अ पैक ऑफ 9 डीवीडी कॉस्ट 1791 रुपीज, हाउ मेनी डीवीडीज डिड पुनीत बाय इफ ही पैड रुपी 5373। देखिए 9 डीवीडी का टोटल कॉस्ट कितना है, 1791 रुपीज। तो हम लोग को बताना है कि ये 5373 रुपीज में टोटल कितने नंबर ऑफ डीवीडीज मिलेंगे, ये हम लोग को फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ 9 डीवीडीज इक्वल टू 1791 रुपीज, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ डीवीडी गेट बाय
वन रुपीज इक्वल टू 9/1791 और डिविडीज. ओके, दिस इम्प्लाइज टोटल डिविडीज गेट बाई 5373, दिस इक्वल टू 9/1791 इंटू 5373, 1791 3 जा 5373, दिस इम्प्लाइज 9 3 जा 27 डिविडीज. ओके, दिस विल बी फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th इज रागिनी मेड 6 liters ऑफ लेमनेड बाई मिक्सिंग 1.5 liters ऑफ लेमन जूस एंड रेस्ट वाटर. हाउ मच लेमन जूस विल बी नीडेड टू मेक 16 liters ऑफ लेमनेड. 6 liters लेमनेड जूस बाई मिक्सिंग लेमन जूस इज इक्वल टू 1.5 liter, यानी कि पानी में 1.5 liter लेमन जूस मिलाने पे 6 liter लेमनेड तैयार होता है. ओके, दिस इम्प्लाइज 1 liter लेमनेड जूस बाई मिक्सिंग लेमन जूस इज इक्वल टू 1.5/6 liter. दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड लेमन जूस टू मेक 16 liters ऑफ लेमनेड इक्वल टू 1.5/6 × 16 और 2 3 जा 6 2 8 जा 16, दिस इक्वल टू 1.5/3 × 8 liter, इट मीन्स 3 5 जा 15 decimal 5, दिस इक्वल टू 5 × 8, 8 5 जा 40 decimal, दिस इक्वल टू 4 liter, यानी कि 4 liter लेमन जूस को हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो कितना लेमनेट तैयार होता है, 16 liters लेमनेट क्या होता है, प्रिपेयर होता है. तो ये हमारा 4 liter क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th पे. क्वेश्चन नंबर 5th है 24 कंप्यूटर्स कॉस्ट 6,36,000, हाउ मेनी कंप्यूटर्स कैन ही कंपनी बाई फॉर 14,57,500 रुपीज. कॉस्ट ऑफ 24 कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 6,36,000. दिस इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर इज इक्वल टू 6,36,000/24, दिस इक्वल टू 26,500 रुपीज कॉस्ट फॉर द वन कंप्यूटर. दिस इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, गेट बाय 14,57,500 रुपीज, दिस इक्वल टू रुपीज 14,57,500 डिवाइडेड बाय 26,500 रुपीज, दिस इक्वल टू 55 कंप्यूटर्स. ओके, 55 कंप्यूटर्स, यानी कि 24 कंप्यूटर का कॉस्ट इतना था तो एक कंप्यूटर का हम लोग कॉस्ट फाइंड किए हैं. ठीक है, तो जो भी पर कंप्यूटर का जो कॉस्ट आया है इससे हम लोग टोटल जो मनी है उसको डिवाइड कर दिए हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर आ गया है 14,57,500 में. टोटल कितने कंप्यूटर मिलेंगे, 55 कंप्यूटर मिलेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, इट मीन्स चैप्टर नंबर 10. थैंक यू.